सर मैं वही आपसे पूछने वाली थी, हाउ डिड यू मैनेज, लाइक प्लीज टेल अस अबाउट India lockdown and congratulations to you rather. You. Please give a huge round of applause, ladies and gentlemen. His latest release is of course with rave reviews. Thank you so much. But I think हर topic पे अलग अलग topic पे film बना था तो मुझे लगा कि lockdown में मैंने लिखी, lockdown में उसको shoot किया और lockdown में बनाई. Yes. I'm very happy the kind of love this and the entire team. Was such a fabulous lovely song. Yeah. And more power to Siddharth. Siddharth is one of the very talented music director and a great human being. Yes. And I'm here only for him here. Yes. Because he told me, he said, "Unki appa aana hai." Thanks, Siddharth, for inviting me. Thank you. मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि मेरी माँ की दुआ बहुत ज़्यादा लगी है कि दुआ करो पे 100 मिलियन हो गए एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है, शुक्र है भगवान का, सब अच्छा हो रहा है एंड इतना बोलूँगा कि मेहनत करने वाले जो होते हैं, जो हमेशा पैशनेट होते हैं चीज़ों को लेके, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में जीतते हैं. सो या इट्स ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रतीक फैम एंड द एंटायर टीम ऑफ दुआ करो. इट्स बीन अ ग्रेट 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 जर्नी एंड या बस यही अमेजिंग है. मैंने एक्चुअली अभी तक दो गाने कर लिए हैं इसके म्यूज़िक वर्क्स के साथ और दुआ करो मेरा एक्चुअली जो गाना था इसके म्यूज़िक वर्क्स मेरे पास पहले किसी और गाने के लिए आए थे जो मैंने बाद में किया, डॉल्चे का गाना. तो पहले उन्होंने मुझे उस गाने के लिए अप्रोच किया लेकिन मैंने पहले किया दुआ करो और वो बाद में हुआ क्योंकि कुछ चीज़ें थी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं. दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे वेरी दे टेक केयर ऑफ देयर आर्टिस्ट वेरी वेल, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं सिद्धार्थ सर एंड द एंटायर टीम. देर ऑल वेरी अमेजिंग पीपल, बहुत फैमिली की तरह सब. सो या बिल्कुल बिल्कुल आज कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो बिल्कुल देख सकते हैं. मैं इतना बोलूँगा जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है एंड हर तरीके का रोल, हर तरीके का सब कुछ होने वाला है. अभी सब कुछ हो रहा है. मैं इतना बोलूँगा कि मैंने बहुत मेहनत करी है 2022 में. मैं मानता हूँ मेरे बहुत चाहने वालों की बहुत दुआएं लगी हैं, मेरी माँ ने बहुत प्रेयर्स करी हैं, मेरे फैंस जो हैं प्रतीक फैम जो है, नॉट फैंस फैमिली, जो प्रतीक फैम है उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया दिन रात जाके. अभी शुरुआत थी, अब हम और मेहनत करने वाले हैं तो क्या रिजल्ट होगा, मतलब इसके बाद तो. हाँ जी बिल्कुल मम्मा आओ. बहुत बहुत ऊपर, बहुत आगे. नहीं, हर एक माँ अपने बच्चे के लिए यही चाहती है कि वो आगे बढ़े एंड बहुत आगे बढ़े और मेरी ब्लेसिंग्स, पापा की ब्लेसिंग्स हमेशा इसके साथ है. बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसने बहुत अच्छा किया और सबने बहुत अच्छा किया. बट मेरे तो सारे फेवरेट हैं एक्चुअली, ये भी फेवरेट है, सारे फेवरेट हैं. लेकिन मैं इतना बोलूँगा जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना उतनी मेहनत मेरी मॉम भी करती हैं घर पर बैठ के प्रेयर करने में एंड पूरे दिन प्रेयर करती हैं भाई, मैं इतना कह सकता हूँ. एंड पता नहीं मेरे को क्या, मेरे कर्म होंगे अच्छे कि मुझे ऐसी माँ मिली है, सीरियसली बोल रहा हूँ. और मैं इस चीज़ को पूरा जस्टिफाई करूँगा 2023 में भी, दिल से मेहनत करूँगा, दिल जान लगा दूँगा पूरा और बस क्या बोलूँ. बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है कि मैं इसकी, मतलब इसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, नहीं तो कौन जानता था मुझे, तो बिल्कुल कोई नहीं. इसकी वजह से मुझे भी दुनिया जानती है. I'm just gonna say thank you to everyone, to the entire Pratik fam. You guys are my family and aap logon ne mujhe itna pyar diya, itna support diya. Meri mom ko bhi pata hai, sab kuch pata hai and thank you so much for all the love, all the support. Keep supporting, keep loving. Thank you so much. Thank you. Big Boss 16 jo hai bahut badhiya chal raha hai and mere Salman bhai ko mera bahut bahut pyar. I love him and may the best one win and the better ones और आगे बढ़ जाए. सब अच्छे हैं. मेरा कोई ऐसा फेवरेट ऐसा सच नहीं है, मैं खुद अपना फेवरेट था बस इतना. 100% सबको जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ. सब आप लोग जाते तो पहले एक बार मीडिया राउंड कर ले. 100% सब एकदम, सब सब में पोटेंशियल है, सब में पोटेंशियल है 100%.
वो अच्छा कर रही है मुझे लगता है, क्योंकि वो उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है एंड बहुत बेबाक है, बहुत रियल है एंड बहुत नेचुरल है, सो अच्छी बात है. शुक्रिया. फॉर अस फॉर मी पर्सनली ये बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है. मुझे लगता है कि जो मेरा करियर है उसका टर्निंग पॉइंट है. एसके म्यूजिक वर्क्स का तो टर्निंग पॉइंट है ही, लेकिन सिद्धार्थ कश्यप एज अ कंपोज़र, क्योंकि इस 100 मिलियन के पहुंचने ने एक नया कॉन्फिडेंस दिया और लोग हमें पसंद कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि दिस वीडियो मेकर्स अंडरस्टूड के हमेशा एक केवल गाना जब होता है तो गाना पूरा होता है जब उस गाने के साथ में उसके विजुअल्स बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करते हैं और सब चीज़ एक पैकेज में मिलकर के प्रॉपर एंटरटेन करें. तो जिसमें हमेशा संदीपा जैसी अच्छी एक्ट्रेस हों और अंशुल जैसे डायरेक्टर हों तो अच्छे से शूट करें, क्योंकि गाने तो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं पर ये लोग हैं जब ये उसको पर्दे पर स्क्रीन पर लेकर के आते हैं तो वो कन्विंसिंग हो जाता है. थैंक यू. आई जस्ट वांट टू आई मीन आई थिंक ये सबसे एक्साइटिंग बात होती है दैट यू कोलैबोरेट विद समवन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन इट बिकम्स लाइक अ सुपर डुपर हिट. I'm so glad. Thank you for the opportunity, Siddharth ji. Because I think it's a fantastic song. और हमें पता था जब हम बना रहे थे, हमें पता था कि बहुत अच्छा करेगा. इतना नहीं पता था कि 100 million cross कर लेगा. We were happy at the 50 million itself. और इतने कम समय में. Normally बहुत से channels के ऊपर गाने हैं. Stevin के भी बहुत से गाने हैं. This is first of his song. जो कि सिर्फ 7 महीने में 100 million पहुँचा है एंड दैट इज़ फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल. जो बड़े बड़े रिकॉर्ड लेबल से जहाँ फिल्मों के गाने होते हैं वहाँ पर इजी होता है, रीच उनकी बड़ी होती है. बट जब हमने किया था, आई वुड लाइक टू मेंशन, जब हमने दुआ करो जिस दिन हमने रिलीज़ किया था, वी वर ओनली एट अराउंड 4 lakh और 5 lakh सब्सक्राइबर्स. एंड आफ्टर आज जब ये गाना 100 million पहुँचा, आज हमारे 36 lakh से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस गाने पे, जिसमें दुआ करो का कंट्रीब्यूशन बहुत है. प्रतीक, संदीपा, राहुल, इन तीनों ने बहुत ही फेब्यूलस काम किया है. और गाना जब हमने बनाया था, कुमार जी ने जब इसे लिखा, स्टेबिन ने गाया, तो हमें लगता था कि गाना तो हिट होगा. लेकिन जब अंशुल ने इसकी स्टोरी गढ़ी और मुझे लगता है वो चीज़ इनके परफॉर्मेंस से हर चीज़ इसके लिए काम कर गई और इट रीच्ड. आई थिंक फुल मार्क्स टू अंशुल, बिकॉज म्यूजिक वीडियोज़ में विजुअली कैसा लग रहा है गाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ही शोड अस वेरी इन अ वेरी प्रिटी वे और बहुत सुंदर, यू नो, फुल हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाला वीडियो बनाया है. आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नॉट शो हर इन अ प्रिटी वे. और तारीफ करो. पहले तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें सस्ते में कौन मिल रहा है. एक्सक्यूज मी. और फिर सबसे पहले हम जब मिलते हैं ना, सो ये जब अंशुल कहानी गढ़ता है तो पहले हम उस कैरेक्टर को समझते हैं, फिर देखते हैं इस कैरेक्टर में कौन फिट हो सकता है, फिर उसके हिसाब से हम कास्ट को आइडेंटिफाई करते हैं. बट उसके आगे भी हम तब काम करते हैं जब वो हमसे मिल लेता है और एक वाइब मैच हो जाती है. क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट इस काम में यह है कि आपका एक दूसरे के ऊपर एक आपकी दोनों की वाइब मिलना चाहिए, एक पॉजिटिव, आपको दोनों को पॉजिटिव लगना चाहिए. तो जब वो और तभी वो काम अच्छा हो पाता है. तो जब ऐसे पॉजिटिव लोग मिलते हैं या हमें वाइब लगती, तब हम पूरे भरोसे के साथ में फिर काम करते हैं. डिजिटल दुनिया में ट्रेंड का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड काफ़ी चलता है जो लोग फॉलो करते हैं, तो आप आगे का गाना किस तरह से देखते हो कि आपका इमोशनल गाना ज़्यादा चला तो आगे का गाना किस तरह से लाने का? नहीं, वो उस वे में आप देखोगे तो एसके म्यूजिक वर्क्स एक डिफरेंट जोन में है. पहली बात तो हमने जब दुआ करो किया, तब जो पैरेलली जितने लेबल्स हैं और वो जो गाने कर रहे थे वो इस जोन को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे थे. अब दुआ करो के लिरिक्स आप पढ़ोगे तो इट इज़ ए सैड सॉन्ग, लेकिन
हमने उसे ग्रूवी और अलग इमोशन को उसको डालने की कोशिश की और आई थिंक वही वर्क किया है उसके अंदर. प्लस आई डोंट थिंक एनीवन कैन प्रिडिक्ट ट्रेंड्स ना. और ट्रेंड तो क्या है, 24 घंटे में हर 24 घंटे में ट्रेंड चेंज हो जाता है, पता लगता है आज ये इस प्रकार की रील चल रही है, घंटे घंटे में चेंज हो रहा है. तो आप और हम जो काम कर रहे हैं इसके अंदर मेहनत हमारी 1-1.5 महीने की लगती है, गाने बजते हैं ऐसे उसको फाइनल. सो इट इज़ यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने आप में भरोसा होना चाहिए और अपने काम पर कन्विक्शन होना चाहिए. देन इफ़ यू आर वेरी लकी तो शायद रिलीज़ होते ही वो वायरल हो जाए, नहीं भी हो तो हो सकता है कि कोई चीज़ हम रिलीज़ करके 1.5 साल निकाल देंगे लेकिन 1.5 साल बाद में वो कहाँ से वायरल हो जाएगी. सो द ओनली केस आप अपनी ईमानदारी से मेहनत करते जाइए और अपने कन्विक्शन से काम कीजिए. मेरा तो बहुत लंबा एसोसिएशन है एसके म्यूज़िक वर्क्स के साथ में, सिद्धार्थ जी के साथ में. और जब उन्होंने मुझे ये जब कोविड का जब ब्रेक ख़त्म हुआ सब लोगों के लिए और काम शुरू हुआ तब इन्होंने मुझे वापस बुलाया और दुआ करो जो गाना है हमारा वो गाना उन्होंने मुझे सुनाया. एंड उस वक्त उन्होंने मुझे 2-3 गाने सुनाए थे एंड देन ही सेड दैट यू नो विच वन यू वुड लाइक टू डायरेक्ट फर्स्ट. सो आई कम्प्लीटली फेल इन लव विद दुआ करो एट द फर्स्ट गो. पहली बार सुना तो मुझे लगा दिस इज़ अ यूनिवर्सल सॉन्ग, एवरी सिंगल पर्सन विल लव इट. और इसके जो इमोशंस है वो भी ऐसे इमोशंस है जो हम सब ने कभी ना कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किए अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में. सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी फॉर गिविंग मी दिस मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग, वन ऑफ द बेस्ट कम्पोजिशंस ऑफ योर्स. सारे कम्पोजिशंस बहुत खूबसूरत है लेकिन दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी. और देन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि जो कहानी मैंने बनाई उसमें आई गॉट टू यू नो कास्ट पीपल लाइक संदीपा जी, प्रतीक एंड राहुल एंड फ्यू अदर फैंटास्टिक एक्टर्स. और एक बार मैंने इन्हें स्टोरी नरेट करी सो दे लव्ड इट एंड दे वर लाइक कम्प्लीटली अ पार्ट ऑफ इट. दे ओन द सॉन्ग, दे ओन द म्यूज़िक वीडियो एंड इन्होंने अपने कैरेक्टर पर बहुत मेहनत करी है. लोगों को लगता है 4 मिनट का गाना होता है, 5 मिनट का गाना होता है, कितना कैरेक्टर ग्राफ्स होते होंगे, क्या होते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नुआंसेस हैं इस म्यूज़िक वीडियो में क्योंकि इसके अंदर एक बहुत फुलफिल कहानी है. तो आई थिंक दे डिड माइंड ब्लोइंग जॉब. एंड ये अभी मेरी तारीफ कर रहे थे लेकिन सच तो ये है कि डायरेक्टर इज़ ओनली एज गुड एज हिज एंटायर टीम, हिज क्रू, हिज एक्टर्स. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. क्या कुछ है, एक्साइटमेंट है, नर्वस है, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द फीलिंग? यू स्टार्ट फर्स्ट. एक्चुअली यू शुड स्टार्ट फर्स्ट. नर्वस तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि लव स्टोरी है, गाना बहुत ही प्यारा है और पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है. तो बस अब रिजल्ट आप लोगों के हाथों में है कि आप लोगों को देखना है गाना और बताना है कि आपको गाना कैसा लगा. तो नर्वस नहीं है हम ज़्यादा, राइट? नहीं, बिल्कुल भी नर्वस नहीं है. कहते हैं ना कि दिसंबर एंड होता है एक हाई नोट पे, हाई एनर्जी ऑफिंग सॉन्ग्स के साथ. जनवरी हमने शुरू किया एक प्योर इश्कबाजी के साथ, एक सॉफ्ट सा रोमांटिक नंबर जिसमें दो अनजान इंसान किस तरह से प्यार में पड़ते हैं, उनकी कहानी कैसे हम ये कह सकते हैं कि जो दो लोग डेस्टाइंड होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, वो इस गाने के थ्रू हमने दर्शाया है. एंड आई फील पीपल आर गोना लव दिस सूदिंग ट्रैक एंड डेफिनेटली नॉट नर्वस, इट्स अबाउट द फीलिंग. आई थिंक हर गाना अपनी डेस्टिनी लेके आता है. दुआ करो डेफिनेटली इज अ बिग नंबर एंड अ बिग सक्सेस पॉइंट फॉर एसके म्यूजिक वर्क्स एंड दिस गिव्स अ बिग मोटिवेशन टू द होल चैनल एज वेल एज ऑल द कंपोजर्स ऑन बोर्ड. तो डेफिनेटली इश्कबाजी के साथ एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी, पर एक्सपेक्टेशन के साथ हम ये ज़रूर कहते हैं कि लोगों को गाना पहले पसंद आना चाहिए, उनके दिल में बसना चाहिए, वहाँ से अगर वहाँ हम बस गए तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस फॉर अ सॉन्ग. हाँ, जो भी मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं इट्स जस्ट अ नंबर. अगर आपको दिल से कोई गाना अच्छा लगा है तो कितने मिलियन आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता. सिद्धार्थ जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे नेहा जी की मैं बात करूँगा, जो पंजाब ऑडियंस है, जो पंजाबी फैंस है, उनकी जो इतने सारे फैंस हैं, बट हिंदी म्यूजिक में आई पर्सनली हार्डली सी, बट पंजाब के जितने भी गाने हैं इतने फेमस हैं, बट देन आपको देखना चाहिए, देन आपको देखना चाहिए. मैंने हिंदी गाने बहुत किए हैं, मैंने अभी रिसेंटली उस्ताद राहत फतेह अली खान जी के साथ हिंदी सॉन्ग किया है. तो आपको रिसर्च अच्छे से करनी चाहिए. मैंने बहुत गाने हिंदी किए हैं, मेरा स्टार्ट हिंदी से था. वो रिसर्च ऐसी हुई कि जब गाना बनाना तो गाना बहुत रोमांटिक था, तो वी वांटेड एक
ऐसा पैर बने कि जिसके अंदर में वो रोमांटिसिज्म बाहर आए। तो जब मृणाल की डायरेक्टर है, उन्होंने जब कहानी बनाई, सो एंड शॉर्ट मृणाल ने हमारे साथ में ऑलरेडी एक चेहरा नोट सा वीडियो करा हुआ था, सो ही एस के म्यूजिक बच्चे इज बीन एसोसिएटेड एक वीडियो हमारा चेहरा नोट सा। सो ही वॉज इन्हें हमने जब गाना सुनाया तो ही वॉज वेरी कीन ऑन डूइंग। और जब उसके बाद में मतलब इसके अपोजिट क्या कास्ट करना है, तो फिर हमारी चैनल प्रोड्यूसर अली साहब वो नेहा को बहुत अच्छे जानती हैं, यस। और मैं इनको पंजाब की साइड में जो आप बोल रहे थे तो वहाँ पर बहुत फेमस हैं ये, तो हमने बोला कि चलो इनका पेरिंग सोच के देखते हैं। और इनका जो पेरिंग सोच के हमने इनको कुणाल जी को बताया, सो ही वॉज वेरी फन। हाँ, मैं इसी प्रकार की कास्टिंग देख रहा था, तो ये दोनों कास्ट करना बहुत आसान था, बट इनके जो फादर को कास्ट करना पड़ा ना, तब हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ी। बट जैसे ही हम इधर उधर ढूंढ रहे थे, फिर सडनली हमें ध्यान में आया कि हमने एक वीडियो किया था चम्मू, जहाँ कुरुशी हमारे साथ में थे, तो हमने बोला वाई शुड वी नॉट आस्क हिम, कि वहाँ तो चलो दारू पी ली, अब यहाँ खाली खाली कुर्सी में बैठ के आप वीडियो देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही। मुझे लगता है कि गाना जितने भी फैंस हैं मेरे, उनको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि गाने में जो आप फील देखोगे कि जो प्यार का, जो ट्रू प्यार कैसे होता है, दो अनजान लोगों को कैसे प्यार हो सकता है, उस बारे में बताया, क्योंकि आज का जो प्यार हो गया है ना, बहुत इंटरनेट वाला प्यार हो गया है, तो इसमें आप इंटरनेट बिल्कुल कुछ इंटरनेट नहीं, इसमें रियल प्यार आप देखोगे, एक प्यारी लव स्टोरी है, और मुझे लगता है हाँ इसमें एक्चुअल प्यार आप देखोगे, और मुझे लगता है जितने भी लोग प्यार वाले लोग हैं उनको जरूर इससे कनेक्ट करेंगे, उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा। आई रियली सॉरी। आप सुन रहे हैं कुमार भाई? कुमार जी आई लव यू, आपकी तरफ से मैं लव यू टू बोल रहा हूँ आरती जी को। I'm so happy. Friday the 13th, जो क्लीशे दिन होता है पूरी दुनिया में, मेरे लिए वो किस्मत वाला दिन है, बहुत अच्छा दिन है कि आज वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है। सुरेश जी हैं यहाँ पर हमारे साथ में, ये सिद्धार्थ जी, हम सब एक ही फैमिली के हैं, तो बहुत खुशी होती है जब एक दूसरे के इवेंट्स में ऐसे जाकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्या बात, और तारीफ करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। को 100 मिलियन हो गए, और मेरी तरफ से एसके म्यूज़िक को और सिद्धार्थ जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये गाना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और अभी जो टेनिस प्रीमियर लीग हुआ TPL, उसका टाइटल ट्रैक सिद्धार्थ जी ने मुझसे गवाया, और हम लोग पुणे में परफॉर्म भी करने गए थे, तो हम लोगों ने ये गाना बहुत ज़्यादा बार प्ले किया, दुआ करो। और इतनी जल्दी 100 मिलियन हो गया गाना, तो पब्लिक पसंद कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ऑल्सो एक गाना और दूसरा इश्कबाजी, शायद हाँ इश्कबाजी रिलीज़ है, जिसको गाया है शहजाद ने, कुमार पाजी ने लिखा है और सिद्धार्थ जी ने कंपोज किया है, उसके लिए बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सिद्धार्थ को, बहुत पुराने फ्रेंड हैं वो मेरे, और मुझे बहुत पसंद आता है जब भी वो कुछ म्यूज़िक में करते हैं, तो कंग्रेचुलेशंस। और मैं चाहती हूँ कि जो नया म्यूजिक एल्बम है वो भी बहुत सारे व्यूज ले ले यूट्यूब पर, तो ऑल द बेस्ट है। इस साल आप ज़रूर मेरी पिक्चर देखना, विदुर जामवाल की फिल्म है और मैं भी हूँ उसमें, अनुपम खेर जी हैं, दिलीप ताहिल है, उस फिल्म का नाम है IB71, और नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर संकल्प रेड्डी ने बनाया, जिन्होंने पहले गाजी अटैक बनाई, तो इस साल रिलीज़ है उसकी, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए। शायद हाँ, हो सकता है कि मैं भी अभी बहुत जल्द आपको एक अच्छे से म्यूज़िक वीडियो में देखूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, मैंने सुना है, और हमेशा की तरह इस बार भी मुझे लगता है ये गाना कुछ कमाल करेगा, क्योंकि सिद्धार्थ सर बहुत म्यूज़िकल हैं और बहुत ही सुलझे हुए वो आर्टिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि जब ये गाना आएगा प्रॉपरली, तो ये गाना कुछ अच्छा रिक्रिएट करेगा इंशाल्लाह मार्केट में। मेरा अभी रिसेंटली 2-3 मूवीज़ आई हैं, और जो मेरा मोस्ट पॉपुलर, मेरा जो फेवरेट है, एक मुलाकात फ्रॉम द मूवी ड्रीम गर्ल, एंड एक चुम्मा फ्रॉम द मूवी हाउसफुल 4, ये सॉन्ग हैं, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नया, तो इंशाल्लाह जल्दी कुछ करेंगे। तमाम थैंक यू सो मच।
सब लोग मुझे मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार से जानते हैं। आज SK म्यूज़िक वर्क्स के साथ मेरा सेकंड म्यूज़िक वीडियो है इश्कबाजी, जिसमें मैंने हीरो का फादर का किरदार किया है। एंड इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद डायरेक्टर सर कुणाल सर एंड माय कोस्टार्स। और हम भी दुआ करते हैं कि जैसे दुआ करो का 100 मिलियंस यूज़ गए, वैसे हमारी इश्कबाजी गाने का भी 100 मिलियन व्यूज़ जल्द से जल्द क्रॉस हो। और गाना यूथ ओरिएंटेड है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग।